हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ प्यू। कैसे है सब? होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग आ गए ढेव सागर। यह सेकंड दिन का ढेव सागर शाम को हम लोग आ गए और पहला दिन स्नेहा और स्नेहा के पापा आ गए थे। ढेव सागर घूम के गए हैं, बहुत कुछ खाना खा के गए और हम मेरे लिए लेके भी आया था, जैसे नॉरिनकुर का संदेश मुझे बहुत पसंद है। ये सब बंगाल का कुछ खासियत होता है ना। तो अभी हम लोग को टॉय ट्रेन मिल गया क्योंकि बहुत भीड़ है, टिकट मिल गया। तो चलो जल्दी से चलते हैं जाते हैं। सो हम लोग को टिकट मिल गया था तो बैठ आया था क्योंकि बहुत भीड़ था। और आप लोग समझ सकते हो 1 जनवरी फिर 25 दिसंबर में कैसा भीड़ रहता है। सब बच्चों का स्कूल छुट्टी रहता है, सबके मम्मी पापा ऐसे घुमाने के लिए ले जाता है, हर जगह में भीड़ रहता है। तो ये हम लोग टॉय ट्रेन से जा रहे थे, बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा देखते देखते जा रहे थे। ठीक है, तो सांता क्लॉज भी सजाया गया था यहाँ पे। टॉय ट्रेन ऐसे चलना स्टार्ट हो गया। बहुत सुंदर है लेकिन गाइस, पूरा पार्क हम लोग घूम लिए थे, बहुत सुंदर सजाया गया है पार्क, पूरा लाइटिंग है एंड पीछे में समुंदर है, जहाज बाड़ी है, बहुत सुंदर। आप लोग आओ तो आप लोग को समझ में आएगा। इस तरह से दिखाना उतना समय हम जितना कैप्चर कर सके हम दिखाएं। उसका हम लोग डुअल साइकिल चलाए थे। यह साइकिल सोचता है ना कि बहुत मतलब इजी है, मज़ा लग रहा है। मज़ा तो लग रहा था लेकिन हाँ डर भी लग रहा था, मतलब अगर गिरेंगे ना तो सही में हाथ पैर में बहुत चोट लगेगा क्योंकि ना भीड़ बहुत था। और एक चीज़ हमको समझ में आया डुअल साइकिल चलाने के लिए, मतलब रास्ता अगर खाली रहता ना तो मज़ा आता, लेकिन इतना भीड़ और इतना लोग जाना आना कर रहे हैं, ऊपर से टॉय ट्रेन भी चल रहा है, फिर बच्चों लोगों का छोटा छोटा गाड़ी, फिर और भी राइड है, मतलब 4 जन का गाड़ी भी है, वो सब एडल्ट लोगों के लिए है, बच्चा भी बैठ सकता है, एडल्ट का भी है, वो सब भी चल रहा है, मतलब सब कुछ देखना पड़ रहा था। ठीक है, और ये डुअल साइकिल मतलब है कि दोनों को ही पैडल, आप ये मत सोचो कि जो पीछे जो बैठे हुए हैं उसको, वो बहुत आराम से बैठे हुए, सिर्फ सामने जो है वही चला रहा है, ऐसा नहीं है। पीछे जो है ना उसको भी सेम पैडल देना पड़ रहा है, सेम शक्ति लगाना पड़ रहा है, तब जाके आगे भी चल पाएगा। तो यही बात है, मतलब बैलेंस करके साइकिल चलाना जानना पड़ेगा। तो सभी जानते होंगे, तो हम तो बचपन में बहुत चलाए साइकिल, साइकिल से ही सारा चीज़ करते थे, ट्यूशन वगैरह, तो सब कुछ याद आ रहा था, बहुत मज़ा लग रहा था। और अभी मतलब एक बार स्नेहा चला रहा है, एक बार हम चला रहे हैं, साइकिल बहुत ऊंचा था गाइस, देख के लग रहा है कि छोटा है लेकिन बहुत ऊंचा था साइकिल, हाइट से भी हम मेरे हाइट से भी थोड़ा ऊंचा ही लग रहा था। तो जो भी हो बहुत मस्ती की यार, ये वाला दे देगा, इसमें हम रील्स भी बनाए इंस्टाग्राम में, ऐसे ही मतलब गाना लगा दिए थे इसमें, चांदी का साइकिल सोने के सीट। ठीक है, तो अच्छा ही लग रहा था, बहुत मज़ा लग रहा था लेकिन हाँ। और ठंडा में उसके बाद स्वेटर खोल दिए थे क्योंकि पसीना आ रहा था ना साइकिल चलाते चलाते, तो बहुत इंजॉय किया। साइकिल चला के थक चुके हैं, अभी हम लोग खाएंगे, क्या खाएंगे? फिश फ्राई, फिश कटलेट, फिश बॉल, सब कुछ खाएंगे। ठीक है, पूरा एंजॉय, एंजॉयमेंट, आज फुल मस्ती, फुल मस्ती, रोज ही मस्ती कर रहे हैं आज, एकदम फुल मस्ती। औसम बेंगली में एक ही बात कहेंगे, मन प्राण भरे गए लोग, सीरियसली कैमन रे, कैसा है ना? अच्छा, सच में बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है पापी? औसम औसम, गरम गरम इस तरह से लो, कैचअप लो, मुंह में डालो कैचअप, दादा बहुत है और उसके कारण थोड़ा लेट लेट आ रहा है, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा है कि गरम गरम, एक खत्म ना होते होते एक आ रहा है। तो कल आप बोले थे लाने के लिए, हम इसीलिए आपके लिए नहीं लाए, आज आपको बैठा के गरम। अरे आज कल ये बाप बेटी दोनों कल घूम के गया है, ठीक है, कल पूरा एंजॉय करते गए, आज हम खाए नहीं, हाँ खाए नहीं कुछ, स्नेहा खाई सिर्फ, ठीक है, बापी नहीं खाया, बापी आज का बेटी का, बेटी का बात अलग है लेकिन बापी नहीं खाया, हस्बैंड नहीं खाया, हस्बैंड का बेटी खाया। क्या है, कैसा है? स्प्रिंग रोल खा के देखो, अच्छा लोग का है, उतरू बुतरू सब चल रहा है। ठीक है, चलो
ये उसके बाद हम लोग खाने के बाद ढेर सागर के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे पूरा झाओ बन से घिरा हुआ है और पीछे है समुंदर। तो हम लोग रात में समुंदर में नहीं उतरे, आप लोग कोई अगर आ सकते हैं, अगर उतर सकते हैं तो उतर सकते हैं, जा सकते हैं बीच में, पर हम लोग को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि हम लोग जहाँ पे रह रहे थे बहुत अच्छा एरिया है, मेन एरिया है, वहाँ का बीच बहुत अच्छा है और हम लोग को इच्छा नहीं हो रहा है कि बार बार समुंदर में जाए। तो ये देख लो गाइस, ये है ढेर सागर, आई लव ढेर सागर, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर पार्क है। और उसके बाद हम लोग फिर से खाना उना कुछ खाए और मतलब बहुत अच्छा अच्छा था, जानते हैं आइटम, मतलब पेट भर जा रहा है, मन नहीं भर रहा है, ऐसा बात है, मतलब कुछ भी खा रहे हैं बहुत टेस्टी। एंड यहाँ का ढेर सागर में जितना खाना था हर चीज़ ही बहुत हाइजीनिक है, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग खाना खाए, देन उसके बाद हम लोग बहुत इन्जॉय किए, अपना बातें होते किए, एक दो राइड किए, लेकिन मेरा ना स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन में, तो मैं ना वो चीज़ ले नहीं पाई, तो इसलिए मुझे बहुत अफसोस है उसके लिए। सो यही बात है। हाँ, तो हॉट स्प्रिंग से लेके चिकन कटलेट से लेके बॉल्स से लेके चीज़ बॉल से लेके सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था जितना भी बोलेंगे उतना कम है, हर चीज़ यहाँ पे था, पेस्ट्री वगैरह सब चीज़ था। तो उतना तो घूम के दिखाना संभव नहीं है ना, क्योंकि ये जो पार्क है ना बहुत बड़ा एरिया जुड़ के है, तो हर एक जगह घूमना ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, पर हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, जितना सके हम किए आप लोगों के लिए। सो यही बात है और क्या। और घूमते घूमते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाज बाड़ी में, और देखिए जहाज नाव कितना अच्छा सजाया गया है। तो बस हम लोग यहाँ तक गए एंड उसके ऊपर में भी चढ़े थे, गए सामने से देखे तो बहुत अच्छा लगा, इतना फ़ोटो वीडियो में जितना अच्छा नहीं लग रहा है उतना आप लोग जाके जब सामने से देखिएगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा कि बहुत अच्छा लगता है। एंड ये पूरा पार्क ही इस तरह से सजाया गया है कि आगे उसके पीछे मतलब समुंदर है, तो इस तरह से हम लोग नीचे उतरे क्योंकि पूरा बालू है और ये बीच के साइड में किया गया है, बहुत सुंदर है ये। और ये हम लोग जहाजबाड़ी के ऊपर देखिए चढ़े थे जहाज के ऊपर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सजाया गया। देखो सुना। So guys, अभी हम लोग आ गए हैं न्यू दीघा में, चलो चलते हैं देखते हैं न्यू दीघा का लुक, बहुत अच्छा। पर हर बार आते हैं तो हर बार क्यों बदल जाता है भाई इतना है? दाम सब कुछ का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सपेंसिव है। चाय अड्डा, चलो कहीं दिखने में अच्छा लगता है, आप लोग आ सकते हो। और घर का सामान मतलब बहुत कुछ है, खिलौना, फिर कॉस्मेटिक सब कुछ ही ले सकता है, सब कुछ बहुत कुछ है, ठीक है। तो हर चीज तो दिखाना संभव नहीं, अच्छा अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। अगर बच्चा लेके आता है तो बहुत इंजॉय करें, ये छा गया है बच्चा लोगों के लिए, ऐसे कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चा लोग बहुत इंजॉय करें। और अभी हम लोग आए हैं चाय अड्डा, क्या सजा के रखा है, हर टाइप का ना भार है यहाँ पे, देखो गाइस केटली वगैरह सब चीज, हर टाइप का भार है ना। तो बहुत ही जो भी देख रहे हैं ना गाइस, बहुत कॉस्टली कॉस्टली देख रहा है, मतलब सही में कुछ भी सस्ता नहीं है, सब पैंट बताइए ये सब क्या है, 1000 करके, फिर 800 कुछ कुछ ऐसे करके बोल रहा है, और क्या। और यहाँ पे क्या फिश देख रहे हो क्या, 150 250
हर टाइप का फिश है। अपना नाम बोलेंगे तो क्या, तंदूरी भी होता है, पूछते भी है ना। चिकन कबाब यहाँ पे हो रहा है, तंदूरी लाती है। पोटेटो स्पाइरल कत टाका? 30 টাকা পটেটো স্পাইরাল। ওকে বেশ ভালো। এটা নেব আর यहां पे সামুদ্রিক কি চিজ মিলেগা, কিন্তু সামুদ্রিক এরিয়া। ये क्या है? চিলে এটা দে, গোল গোল করে পর। ও আবি यहां पे आए है। দীঘা কা তো কুছ তো স্মৃতি লেকে জানা হ্যায়, তো কুছ কুছ চিজ লে রহে হ্যায় হাম यहां से। আর কিসি কিসি কো গিফট ভি দেগে। হ্যাঁ আমাকে ওটা গন্ধরাজ মামা কত করে सब गंधराज है। ये गंधराज फुचका भी मिलता है, देखो गोल गप्पा, हर चीज गंधराज से। पापड़ी चाट, फुचका सब। यहाँ हम लोग आ गए हैं ओल्ड दीघा में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे। एक्चुअली ओल्ड दीघा ही ज्यादा भीड़ रहता है, ठीक है, ओल्ड दीघा ही मेन है। सोचो कि न्यू दीघा न्यू कुछ है, ये ओल्ड दीघा ही सबसे ज्यादा फेमस है। आप लोग आओ तो ओल्ड दीघा आओ। तो कैसा लग रहा है? दो प्लेट गंधराज मोमो ऑर्डर कर दे, मतलब बाहर में इसको ग्रीन मोमो कहते हैं शायद, यहाँ पे गंधराज मोमो उसका महक, गंधराज का महक है। अच्छी खा के देखते हैं, पर वो चिकन मोमो है, ठीक है, गंधराज चिकन मोमो। तो एक बार ट्राई करते हैं न्यू चीज, ठीक है, न्यू चीज मेरे लिए न्यू चीज है, देखते हैं खा के। मोमो तो अभी भी पुराना है, मोमो तो हम लोग खाते ही है, हर टाइप के मोमो खाते हैं, पर गंधराज मोमो अलग बात है। गंधराज से अगर गंधराज लेबू सिर्फ खरीदना चाहता है तो वो भी मिल जाएगा। हाँ ले लीजिए, अच्छा लगा। कल परसों ले, हम जब जाएंगे ना तो कल ले लेंगे, रात में कल ले जाएंगे। गंधराज लेबू देके दाल भात के साथ बंगाली का एक थाली भात उड़ जाएगा गाइस। फुलार है देखो कैसे, मेरे दुकान में आओ, ये बोले मेरे दुकान में। मेनू कार्ड हाथ में लेके बुला रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। ये सब बाहर में आके यही सब का मजा लगता है भाभी। मतलब क्या खाए रे बाप रे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, गंधराज मोमो के लिए सब बोल रहे हैं। गुड शॉट, मारो 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 बीच में, वाह। दोस्तों होइछे किन जगह तू जगह चलछे, हां आके अभी दाड़ी है, मैं बोल रहा हूं। हां ठीक है, बोलता हूं मैं। नाम दादा एक सुनो, दादा सुनो, दादा सुनो, ए अब हम सुनो तो अंजी आगे देख छला। अंगूर तो सुनो, वाह। जब आए थे ना हम लोग विश्व बांग्ला में, तो मतलब शाम के टाइम नहीं ना आए थे, इस तरह से लाइटिंग नहीं था, ठीक है। तो गाइस हम पिछले वाला व्लॉग बनाए थे, देख लेना, ठीक है। मंदिर में नहीं आए थे तो तब यहाँ पे भी आए थे घूमने, लेकिन इस पे लाइटिंग नहीं था उस समय। लाइटिंग देख लो, लाइटिंग नहीं था मतलब क्या, हम जहाँ पे भी आते हैं कुछ भी खाए, लेकिन पानी पूरी खाने नहीं छोड़ता है। पानी पूरी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है, सही में। हम खाने के बाद मिलते हैं। ओले बाबा, ओले बाबा। तो गाइस ये है रात का नजारा, देख लो आज हम लोग का, जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं। तो
तो बहुत ही अच्छा है रिसोर्ट। यहाँ पूरा बटरफ्लाई से है, अब वैरायटीज फ्लावर्स है, ठीक है। तो और क्या, तो हम लोग जस्ट रूम में घुसे, उसके पहले एक बार रिसोर्ट दिखा देते हैं कितना अच्छा से यहाँ पे सजाया हुआ है, ठीक है। चलो दिखाते हैं, क्रिसमस ट्री का कसम से बहुत ही प्यारा लग रहा है और ठंडा भी काफी लग रहा है सही में। तो पहले भी दिखाते लेकिन उस समय ना लाइटिंग नहीं दिखाता, तो वो दोपहर का टाइम था और यहाँ पे सब खेल रहे हैं अपना, ठीक है। बापी तुमको हमको तो हर समय अच्छा लगता है, हर चीज, बिस्तर भी एकदम। अभी देखो गाइस ऐसा हो गया है, हम लोग हाँ बहुत सारा शॉपिंग करके ले गया और ये जो है ना बहुत गद्दा है, देखने को जल्द सो रहे थे एकदम नीचे ये हो जा रहे है ना, बहुत थक गए ना। नहीं थके कहाँ, नहीं थके, नहीं हम तो थके नहीं, क्यों हमको अभी भी एनर्जी है। चल चलते हैं बीच में, चल बीच में तो फाका है, बीच में अभी फाका हो गया, अभी रात काफी हो गया, 11 बज रहा है। दिखा जगह ठीक नहीं है ना, व्यू सब ठीक है, अच्छा लग रहा था। नहीं वो बात नहीं, अभी बीच में देखिए सब शराब वराब पिएगा ये करेगा, शराबी तू शराबी मैं शराबी नहीं हूँ, तू शराबी मैं शराबी, अपना तो सावधानी रहना पड़ेगा ना, बिल्कुल 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 परिवार वाले हैं ना, बैचलर वाले हैं, अलग बात हो गया। क्या बात बोला मेरा हस्बैंड ने, गाइस मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे है, अरे अच्छे हमसे भी नहीं, मेरा परिवार ही अच्छे है। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, खफा अब मान जा, ओ मिस्टर राजा लौट के आजा। तो आज का वीडियो इस तरह से हम लोग ख़त्म करते हैं, सब अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स है ढेर सागर न्यू दीघा और हम लोग का रिसॉर्ट्स का, तो कैसा लगा बताना, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग भी हम लोग का फैमिली मेम्बर हो, और बस यही बात है। और खुश रहिए और नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा इस तरह से, और बहुत ढेर सारा प्यार देते रहना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू चल।